अयोध्या में भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में अब चंद ही दिन बाकी हैं। काशी में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। भगवान श्री राम के आराध्य शिव की नगरी काशी से न सिर्फ तीर्थ पुरोहित जाएंगे बल्कि प्राण प्रतिष्ठा में होने वाले यज्ञ आहुतियों की सामग्री भी काशी से अयोध्या जाएंगी। वेद पुराणों में उल्लेखित नियम और मान्यताओं के मुताबिक लकड़ियों से निर्मित शंख, पद्म, अरणी मंथन, मंडप पर लगने वाले गदा चक्र शामिल है जो नौ ग्रह की लकड़ियों पर तराशी जा रही है। स्थानीय काष्ठकला शिल्पकार सूरज विश्वकर्मा को इस ऐतिहासिक काम को पूर्ण करने की जिम्मेदारी दी गई है। सूरज ने बताया कि कुल 10 सेट यज्ञ प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए तैयार किए जा रहे हैं और हर सेट में 5 सामग्रियां होंगी जिनमें घी की आहुति के लिए सुवा, पूर्ण आहुति के लिए सुरची, जल पात्र के लिए प्रणीता, घी पात्र के लिए प्रोक्षणी और वेदी का लेख खींचने के लिए खड़क शामिल है। सहारा समय संवाददाता अभिषेक सिंह ने काष्ठकला शिल्पकार सूरज विश्वकर्मा से बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ दिन ही बाकी है और ऐसे में लेकर उनके आराध्य यानी देवाधिदेव महादेव की नगरी में उनके प्राण प्रतिष्ठा में प्रयोग होने वाले सामानों की जो तैयारियां हैं वो अंतिम रूप में है। काशी से उनका विशेष नाता है, भगवान शिव से उनका विशेष नाता है, लिहाजा काशी के जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके प्राण प्रतिष्ठा की जो पूजन की जो सामग्रियां हैं, जो पूजा होगा वो वही संपन्न कराएंगे। इससे पहले काशी के ही पंडित और ज्योतिषाचार्यों ने उनके शुभ मुहूर्त यानी कि किस मुहूर्त में वो विराजमान होंगे उस मुहूर्त की जिम्मेदारी काशी के पंडितों ने ही बताई थी और उसको बाकायदा जो उसका मुहूर्त था मुहूर्त का समय भी निर्धारण किया है। और ऐसे में लेकर स्थानीय कलाकार हैं, हस्तशिल्पी कलाकार जिनको ये यज्ञ हवन में जो सामग्रियाँ प्रयोग होनी है उन प्रयोग होने वाली सामग्रियों को बनाने का जिम्मा मिला था। हमारे साथ स्थानीय कलाकार हैं सूरज विश्वकर्मा। सूरज जी पहले तो बहुत बहुत सारी बधाइयाँ आपको। ये सामान जो आप बना रहे हैं किस लिए बना रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या होना है? ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, कि ये ऑर्डर हमें सौंपा गया है। ये ऑर्डर काशी के श्री गजानन जोतकर जी के द्वारा ये दिया गया है और ये सारे पात्र श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के निर्माण में यज्ञ के द्वारा यूज किए जाएंगे। हम ये जानना चाहेंगे जो सामान है, सामानों को बताएं किनका क्या क्या महत्व है और क्या क्या किन क्या क्या प्रयोग होंगे। ये देखिए ये सुरुआ है, ये आहुति देने के कार्य में आता है। ये सुरची है, ये लाट समय में घी का जो पूर्णोति होता है उसमें कार्य आता है। ये देखिए ये जल पात्र है, ये गदा है, ये कमल का फूल है, ये सब जो है ये चार आइटम जो है आपका मंडप के चारों दिशा में इसको लगाया जाएगा। ये क्या है? ये प्रोक्षणी पात्र है, इसमें जो जितनी भी आहुति दिए जाते हैं उसका शेष घी इसमें डालते हैं। अच्छा ठीक है। एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे, ये सबका जो आकार है वो अलग अलग दिख रहा है, स्वरूप भी अलग अलग दिख रहा है, सबकी माप भी अलग, तो इसका आकार स्वरूप माप का निर्धारण कैसे हुआ है? इसका निर्माण काशी के श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित जी, उनके ताऊजी गणेश दीक्षित जी के द्वारा इसका सब निर्माण किया गया है। ये निर्माण आज से कम चार पीढ़ी पहले जी हो गुरु जी के द्वारा ये सब कुछ सिखाया गया था। ये कार्य पिता परदादा के समय से चला आ रहा है, ये मेरी चौथी पीढ़ी हो गई इस कार्य को करते हुए। तो ये जितना भी नापजोक स्वरूप आकार आप देख रहे हैं ये सब कुछ गुरु जी के द्वारा ही सिखाया गया है। तो ये जो सभी सामग्रियां हैं किसी एक लकड़ी से बनी हैं या अलग अलग पेड़ों की लकड़ी? नहीं नहीं, सास में नौ प्रकार की लकड़ी है, नौ ग्रह की, उसी में से इस लकड़ी का यूज किया जाता है। इसमें अभी ये जो पात्र बने हैं सारे पात्र ये वैकंकत के लकड़ी के बने हुए हैं, अरणी मंथन आपका समी और पीपल का लकड़ी का बना हुआ है। और ये सब क्या है? ये सब भी ये अलग अलग स्वरूप के दिख रहे हैं। के लकड़ी का ये भी है, ये अभी अधूरे पे कार्य है, अभी कार्य चल रहा है। ये 3-4 तारीख तक ये पूरी कंप्लीट करके इसको गुरुजी को सौंप दिया जाएगा। अच्छा, सारा कार्य। अच्छा, ये वेंकट की लकड़ियाँ कहाँ पाई? सम्मी और पीपल के पेड़ तो इधर मिल जाते हैं। हम लोग तो खैर बनारस से ही लेते हैं ये, लेकिन जितनी भी लकड़ियाँ हैं सब MP साइड से आती है। तो भगवान श्री राम का भी जो आराध्य है वो भगवान शिव हैं और शिव की नगरी अब धीरे धीरे राममय होती चली जा रही है क्योंकि पुजारी भी यहाँ से जा रहे हैं, ज्योतिषाचार्य भी जा रहे हैं, हजारों भक्त भी यहाँ से जाएंगे और ऐसे में आपको भी जिम्मा ये मिला है इस ऐतिहासिक काम का। हाँ, ये जिम्मा हमें दिया गया है, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ये कार्य को जिम्मेदारी से हमको करना पड़ रहा है। भगवान श्री राम के जो आराध्य थे वो भगवान शिव हैं और ऐसे में उनकी नगरी से
न सिर्फ बल्कि तीर्थ पर जो पुरोहित है जो उनके प्राण प्रतिष्ठा के जो पूजन सामग्रियों को संपन्न कराएंगे, इससे पहले जो उनके प्राण प्रतिष्ठा की जो मुहूर्त था उस मुहूर्त का भी जो जिम्मा था वो काशी के पंडितों को ही मिला था। अब इसकी जो जो प्रयोग पूजन सामग्रियों में जो प्रयोग होना है जो सामग्री, उस सामग्रियों को बनाने का जिम्मा स्थानीय हस्तशिल्पी यानी सूरज विश्वकर्मा को दिया गया था जो अपनी परिवार के चौथी पीढ़ी से हैं। फिलहाल अब जो काशी है वो पूरी तरह से राममय होती चली जा रही है। जो हर हर महादेव के नारों से गूंजती थी या गुंजायमान होती थी, अब वो जय श्री राम के नारों से गूंज रही है। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काशी में भी उत्सव सा माहौल है, न सिर्फ काशी बल्कि पूरे विश्व में, जो कि काशी पूरे विश्व की आध्यात्म की नगरी है। और ऐसे में बात की जाए तो काशी में लगभग तैयारियां अंतिम चरण में हैं। फिलहाल सारा समय के लिए वाराणसी से कैमरा पर्सन संजय गुप्ता के साथ अभिषेक।